पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नल्स ने इस साल की फलस्तीन में मीडिया के दारों सहाफियों के घरों पर बमबारी, दर्जनों सहाफियों के शहीद, जख्मी, लापता, गिरफ्तार होने और इत्तला तक रसाई को रोकने की शदीद मजम्मत करता है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नल्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इजलास में मंजूर होने वाली तस्दीका करार ने आया कि सहाफी अदारों और सहाफियों के घरों पर बमबारी की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइल ने 8 फलस्तीनी सहाफियों को गिरफ्तार किया और 3 सहाफी लापता है। कई सहाफियों के व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद करके इनकी इतला तक रसाई रोक दी गई है। इसराइल ने अल जज़ीरा टीवी को बंद कर दिया की धमकी दी है और अमरीकी नशरियाती अदारे ने 3 मुसलमान एंकरों को मुअत्तल कर दिया है। इस सूरत हाल में इजहारे राय और सहाफत की आजादी के दावेदार की खामोशी मनखेज है। रातभर में नामनास हालात के बावजूद बिना खौफ और खतरा पेशा पर फ़र्ज़ अदा करने वाले हर फलस्तीनी सहाफ़ी की अपने पेशे से लगन को सराहा है और आर्मी इदारों से अपील की है कि वह सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ और इत्तला तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जो हम प्रोग्राम अनाउंस करें उससे पहले डिपेंड करता है कि हम उसकी हाइट कितनी क्रिएट करते हैं। अगर हम उसकी अच्छी हाइट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए करने में कामयाब हो जाते हैं, रिपोर्टिंग की बात करनी है, तो फिर हमने अपनी स्ट्रेंथ पे ही सब कुछ करना। तो ये थे मेरी चंद गुजारिश है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें सारे, इस पर हम फिर भी इस पर एक सेशन करेंगे ताकि अगर हमने कोई जर्नी की डेट नहीं ले ली एक्शन तो फिर शुरू नहीं कर। दूसरा हो गया शायद साहब, आपने मजाक बनाया कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में होती है तो ऑपोजिशन के प्रोग्राम होते हैं बड़ी अच्छी रकबत से आती है, लेकिन देखिए हमारा जी बिल्कुल। पीएफयूजे की एफएससी का इजलास 3 से 5 नवंबर तक एबटाबाद में जारी रहेगा, जिसकी मेज़बानी एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने की, जहां पूरे पाकिस्तान से साफी ज़रात गुजरांवाला रावलपिंडी एबटाबाद सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भरपूर शिरकत की, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान करेंगे, जहां पर मुख्तलिफ इशूज़ पर बात भी की जाएगी। खासतौर पर जो मीडिया क्राइसिस चल रहे हैं और मीडिया वर्करों को काम के दौरान जो मुश्किल पेश आ रही हैं उस हवाले से मुख्तलिफ करारदादें पेश की जाएंगी और हिकमत अमली तय की जाएगी। सेमिनार में मेंबर एफएससी चौधरी यासर जट, सदर गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफकत इमरान, जनरल सेक्रेटरी राजा माजिद ने भी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी यासर जट ने कहा, मैं फलस्तीनियों और ख़ास तौर पर वहां कवरेज के दौरान शहीद और ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ और किरारदार पेश करता हूँ और अक्सरियत की हमायत की उम्मीद भी करता हूँ, ताकि फलस्तीनियों जो कि हमारे भाई हैं और फलस्तीन हमारा मुल्क है, कि मंशूर को अहमियत हासिल हो।